हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को गुलाब जामुन प्लान का ऊपर ईयर लर्निंग क्या है, वो ईयर लर्निंग जो सक्सेस हो गया वो सक्सेस वीडियो आज का दिखाऊंगा मैं फ्रेंड्स। तो मेरा ये वीडियो पूरा देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, पूरा रूट्स से भर गया पूरा। यह है गुलाब जामुन का प्लान है, बहुत ही लंबा प्लान है, देख सकते हैं 7 फीट 8 फीट का प्लान है, उसका ऊपर मैं ईयर लर्निंग किया है। ये 18 इंची पॉट में लगा हुआ, देखिए 18 इंची पॉट में गुलाब जामुन का प्लान लगा हुआ था, देखिए पूरा रूट से भरा हुआ है। ये अभी मैं इसको अलग से पॉलीबैग में लगाऊंगा एक ठो, ये पूरा सक्सेस हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए ये वाला एक काट दूंगा अभी इसको, जगह बहुत ही कम है तो अभी इसको काटना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, पूरा जो रूट से पूरा भरा हुआ है। ये जो ईयर रिंग जो किया था मैंने, आप लोग को तो वीडियो तो नहीं दिखाया, इसको पूरा सक्सेस हो गया फ्रेंड्स। ये अभी कोई भी मिट्टी के गमले या प्लास्टिक का जो पॉलीबैग है, जो ग्रो बैग कहा जाता है, ग्रो बैग में इसको लगाने से ये प्लान अगला साल में पूरा फ्रूट दे देगा। इसमें अगला साल में इसमें पूरा फल से भर जाएगा, देख रहे प्लान का हाइट कितना छोटा सा प्लान में। चलिए इसको मैंने जो प्लास्टिक का ग्रो बैग है, ग्रो बैग में मैं लगाऊंगा अभी। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो गुलाब जामुन का प्लान है, इसको मैं अभी ग्रो बैग में लगाऊंगा, लगाने के बाद एक साल बाद इसमें पूरा फल दे देगा इसमें। तो आप लोग ऐसे भी जो ईयर लर्निंग किया जाता है, तो आप लोग को अनेक वीडियो में दिखाऊंगा। तो छोटा इतना सा छोटा कट करने के बाद पूरा अच्छा से सिल के इसमें जो प्लास्टिक का पन्नी में मिट्टी डाल के इसको बांध के रखना है। बांध के रखने से 1 महीना क्या 1.5 महीना के बाद इसमें पूरा जो ऐसे आप देख रहे रूट से पूरा भर जाएगा। उसके बाद आप कट कर दीजिएगा नीचे से, कट करने के बाद इसको अलग से मिट्टी के गमले या ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। ईयर लर्निंग करने का कोई मुश्किल का काम नहीं है, आसानी है एकदम। आप लोग ऐसे भी प्लान, एक प्लान से 3-4 प्लान आप लोग बना सकिएगा। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगने से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।